नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज़ नेटवर्क में, हूँ सोनू झा। हमारे जो जदयू के संजय झा जी हैं, जो राज्यसभा के बाद आज पहली बार दरभंगा पहुँचे हैं, जहाँ उनके कार्यकर्ता और जदयू के सभी राजद के जो भी उनके कार्यकर्ता हैं, वो सभी शोभन पर उनका पाक चादर माल से स्वागत किए, जहाँ सैकड़ों की संख्या में भीड़ देखने को मिला। वहीं जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल और जिला अध्यक्ष जो हमारे जिला परिषद हैं, वो भी मौजूद हैं, कमलेश मंडल। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मदन सहनी, जो हमारे पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक हैं, अली अशरफ फातमी, बेनीपुर विधायक अजय चौधरी, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी नेता हैं, MLC हैं, सभी वहाँ पहुँच चुके हैं। उन्हें पाक चादर से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और हमारे चैनल का पूरा इंटरव्यू हम आपको सुनाएंगे। आखिर क्या कुछ कहते हैं, क्या लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, इस सभी दिशाओं को लेके हुए मिथिला में आखिर विकास कब तक होगा, बंद पड़े रोजगार आखिर कब चालू होगा, इसी सब मुद्दे पर खास इंक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे। देखिए और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज नेटवर्क में, हूँ सोनू झा। अभी बिहार के हम दरभंगा जिला में पहुंचे हैं और राज्यसभा के बाद आज संजय कुमार झा जो अभी आ रहे हैं, बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है MLC जो किसी के पर्चे के मोहताज नहीं है। चलिए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या तैयारी है उनके लिए और क्या लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा। जी सर, सबसे पहले सूर्या न्यूज में आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। संजय झा जी को राज्यसभा मुख्यमंत्री ने काम किया, पूरे मिथिला की ओर से पहले तो उनको बधाई देते हैं। और मिथिला में, पूरे मिथिला क्षेत्र में संजय झा की बनने से उनका जो कार्य योजना था या जो उन्होंने कार्य किया अपने मंत्रिमंडलीय काम में उसके समय में, उसका इफेक्ट पूरे मिथिला में पड़ेगा। और इससे संजय झा जी के राज्यसभा जाने से अब दिल्ली में भी मिथिला की आवाज़ उठेगी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में लोकसभा में इस क्षेत्र में जदयू और भाजपा गठबंधन का सहयोग सबों को मिलेगा और संजय झा के नेतृत्व में अच्छा सीट का। सर, विपक्ष जो है लगातार रैली कर रहे हैं बहुत सैकड़ों की संख्या में, तो उससे क्या कहेंगे? अच्छा, मान लीजिए उनका तो काम ही है प्रतिपक्ष का काम करना, अपना विपक्ष का, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो हम नहीं समझते हैं जो कि विपक्ष का कहीं स्पेस है। 40 में 40 लोकसभा पर जदयू और भाजपा का कब्जा होगा, ये अत्यय से कितने प्रतिशत से कह रहे हैं? 100%। ये तो जनता कहती है, हम थोड़े कह रहे हैं, ये जनता की आवाज को हमने आपके सामने कहा। चलिए बहुत धन्यवाद। सांसद, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, दरभंगा के जन जन के नेता, हम लोगों के अभिभावक श्री संजय कुमार झा जी पहली बार दरभंगा आ रहे हैं, उनका दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन मिथिलांचल के इस पावन धरती पर हम लोग करते हैं। जनता दल युग के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, आमजनों में भी भारी उत्साह है। जनता दल युग को एक नई संजीवनी मिली है जो पूरे देश में जनता दल युग को मजबूत करेगा, जो संजय झा जी के रूप में होंगे। और हम आशा व्यक्त करते हैं कि आने वाले चुनाव के बाद जब केंद्र में नई सरकार बनेगी तो फिर से हम लोगों को इनको कैबिनेट मंत्री के रूप में अभिनंदन करने का मौका मिलेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ दिल से स्वागत अभिनंदन। परिचय सर, रविंद्र कुमार यादव, प्रदेश सचिव जनता दल यू, सब प्रभारी जिला समस्तीपुर। संजय झा जी दरभंगा है मिथिलांचल में, तो क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, पहले अब बोलने से पहले क्या कहें, मानी संजय झा जी राज्यसभा सांसद बन के आए हैं मिथिलांचल के धरती पर, और उन्होंने जो काम किए हैं, विकास के गंगा बहाए हैं, उनका स्वागत में हम लोग इतने लोग कम ही पड़ रहे हैं। हमको तो लग रहा है जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं, वो बोल के आधार पर जो है गाँव घर में, उस आधार पर भी स्वागत में यहाँ पे लोग नहीं जुटे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग हर्षोल्लास के साथ 5,000 के लोग, 5,000-6,000 हम लोग जुटे हैं। खासकर जमीनी स्तर पे जो हम देखा जाए, सरकारी जो भी योजना होती है तो धरातल स्तर पर पहुंच अधिकारी के पास पहुंचते हैं, लेकिन धरातल स्तर पे जनता को नहीं मिल पाता है। देखिए, यह तो आपकी सोच है, जो भी हमारी सरकार की योजना चलती है जमीन से लेकर के ऊपर तक हम लोग करते हैं, चैनल बना हुआ है, सिस्टम का सिस्टम करते हैं। तो खासकर संदेश देना चाहेंगे, इसका चुनाव, लोकसभा चुनाव जो होने वाली, क्या असर पड़ेगा? संदेश क्या दे,
जिस व्यक्ति ने काम किया उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा भेजने का काम किया, इससे बड़ी खुशी जब क्या है। हम जनता कहेंगे, कार्यकर्ता कहेंगे कि एकजुट होकर के माननीय मोदी जी का काम करें, हम लोग को भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। और लोकसभा की बात रहा, लोकसभा हम लोग बिहार में 40 का 40 सीट जीतने जा रहे हैं। अपना परिचय सर। कांग्रेस मंडल जिला प्रवक्ता जजी दरभंगा।